अच्छा जी, एक नई लैंग्वेज देखते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें बताई जा रही है उनको याद रखें, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट आगे भी यूज होंगे। जैसे अभी आपने एक कॉन्सेप्ट देखा है कि यूनियन वाला कॉन्सेप्ट भी देख लिया आपने पिछली लैंग्वेज के अंदर, और कॉन्कैटेनेशन वाला कॉन्सेप्ट भी देख लिया है। कॉन्कैटेनेशन का कॉन्सेप्ट क्या था, जो आपने ए को दो बार लिखा था, ठीक है, तो किसी चीज़ को कॉन्केट करने का तरीका क्या है, किसी चीज़ को यूनियन करने का तरीका क्या है, वो आपने कॉन्टेक्स्ट की ग्रामर में देख लिया। सपोज कीजिए ये लैंग्वेज है, पहले तो मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए कि इस लैंग्वेज को मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में क्या कह सकता हूँ। पहले तो मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए कि मैं इस लैंग्वेज को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में क्या कह सकता हूँ। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में। जी सर, बेटा ये ए का क्लोजर लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ ये बता दो बस। ठीक है, ये ए का क्लोजर है, ऐसा ही है। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में क्या बात लिखी हुई है कि ए जो है वो जीरो और मोर नंबर ऑफ टाइम आ सकते हैं, ऐसा ही है या कुछ और मीनिंग है इसकी? जल्दी है ना बेटा, यही मतलब है इसका। अब आ जाते हैं वापस। अब फर्ज कर लीजिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये ए जो है वो ए को जनरेट करता है। अगर मैं सिर्फ ग्रामर के अंदर ये चीज लिख दूं तो क्या होगा? तो ये होगा कि स्टार्टिंग होगा ए से, और डेरिवेशन में ए के बाद दोबारा से आएगा, सिर्फ ए के आएगा। हम क्या चाहते हैं, ए जो है वो जीरो और मोर नंबर ऑफ टाइम आए। हम क्या चाहते हैं कि ए जो है वो जीरो और मोर नंबर ऑफ टाइम आए। तो ए को हमारी ग्रामर में कौन जनरेट कर रहा है? स्मॉल ए को हमारी ग्रामर में कौन जनरेट कर रहा है? कैपिटल ए। तो क्या मैं ये कर सकता हूं कि मैं कैपिटल ए से बोलूं कि यार चूंकि तुम ए को जनरेट कर रहे हो स्मॉल ए को, तो तुम बार बार आते रहो क्योंकि तुम्हारे आने से मेरा फायदा। मतलब अगर मैं इस चीज को अपडेट करके लिखूं तो मैं ये कह रहा हूं कि मैंने ए से कहा कि भाई ए तुम ए को जनरेट करो, और चूंकि तुम ही ए को जनरेट करते हो तो तुम बार बार आते रहो। अभी खत्म नहीं हुई बात मेरी, ठीक है, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। तो तुम ही बार बार आते रहो। अब ए ने कहा अच्छा चलें देखते हैं, अब यहाँ पर हम इसको तो रेस कर देते हैं, ठीक है, हम दोबारा आए। ने कहा ए, ये देखें ए ए, अब ये ए पुराना वाला, इस कैपिटल ए को दोबारा ए ए से रिप्लेस किया, फिर ये कैपिटल दो ए पुराने वाले, फिर ये कैपिटल ए को ए ए से रिप्लेस किया, फिर ये तीन पुराने वाले, फिर कैपिटल ए को ए ए से रिप्लेस किया, फिर ये चार पुराने वाले, फिर कैपिटल ए को। इस तरीके से हमें ए मिलते रहेंगे, ए मिलते रहेंगे, बार बार ए मिलते रहेंगे, बार बार ए मिल रहे हैं, क्योंकि ए को कौन जनरेट कर रहा है? ए ही जनरेट कर रहा है। तो ए अपनी डेरिवेशन में खुद आ रहा है। रिकर्जन होती थी ना, रिकर्जन, इस तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ समझ लें कि रिकर्जन हो रही है, कि ए अपने आप को रिकर्सिव कॉल कर रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि सर ये खत्म कब होगा? क्योंकि हमारी बात क्या हुई थी आपसे, हमारी बात ये हुई थी कि कैपिटल ए जो है, मतलब हमारी डेरिवेशन में या पार्स ट्री के अंदर, अगर मैं पार्स ट्री भी यहाँ बना दूँ तो हमारी डेरिवेशन के अंदर या पार्स ट्री के अंदर, डेरिवेशन जब खत्म होती है, जब सब लोग क्या हो जाए टर्मिनल, सॉरी, जब सब लोग क्या हो जाए टर्मिनल, और डेरिवेशन और पार्स ट्री भी जब खत्म होती है, जब सब लीफ क्या हो जाए टर्मिनल, तो ये खत्म कैसे होगा आपके ख्याल में? अगर मुझे ए को खत्म करना पड़ जाए तो मैं कैसे खत्म करूंगा? ये देखें, ये तो चलता रहेगा, ये देख रहे हैं आप, ये देखें तो चल ही जा रहा है, ये खत्म कैसे होगा जी आपके ख्याल में? कोई आइडिया? आप लोगों को पता है, ए में नल भी डाल दें, ठीक है, वंडरफुल, ठीक है, ए में आप नल भी डाल दें। तो हमने क्या किया, इन्होंने हमें बताया, तो हमने ए में क्या किया, एप्सिलॉन डाल दिया। एप्सिलॉन के लिए मैं ईपी लिख रहा हूँ, आप एप्सिलॉन बनाइएगा, ठीक है, आप एप्सिलॉन बनाइएगा यहाँ पर। तो हमें किसी भी वेरिएबल को खत्म करना होता है, हम अपनी डेरिवेशन में कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ते कि कोई वेरिएबल खत्म ना हो रहा हो। लेकिन खत्म करने के लिए हमारे पास हमेशा नल की जरूरत नहीं होती, हम उसको टर्मिनल से भी खत्म कर सकते हैं, और हम चाहें तो उसको वेरिएबल से भी खत्म कर सकते हैं। हम चाहें तो उसको टर्मिनल से भी खत्म कर सकते हैं, और हम चाहें तो उसको वेरिएबल से भी खत्म कर सकते हैं। आप फर्ज कर लीजिए आपको ए चाहिए जीरो नंबर ऑफ टाइम, तो ये देखें ए के पास क्या ऑप्शन है, कि वह एप्सिलॉन से रिप्लेस हो सकता है, यस और नो?
ए के पास क्या ऑप्शन है, एप्सिलॉन से रिप्लेस हो सकता है? ऐसा है, मिल गया आपको जीरो नंबर ऑफ टाइम अवे, यस और नो, जल्दी बताइए बेटा। जी ऐसा ही है। अब ये देखें, अब ए के पास हमें ए के चाहिए, ये देखें हमने ए किया फिर हमने ए को क्या कर दिया, एप्सिलॉन, कैपिटल ए की जगह में एप्सिलॉन नहीं देख रहा। आपको पता है कि जब मुझे ए को खत्म करना हो एप्सिलॉन खत्म हो, ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया सिंगल। अब अगर हमें दो ए चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, ये देखें कैपिटल ए, और जहां मुझे ए को खत्म करना होगा मैं ए को नहीं लिखूंगा। मेरे पास ग्रामर कौन बना रहा है, आप बना रहे हैं और मैं बना रहा हूँ, तो मेरे पास आजादी है कि मैं कुछ भी काम कर लूँ, सिर्फ मेरी लैंग्वेज की मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। ये मत बोलिएगा सर हमें पता नहीं था एप्सिलॉन का, डेफिनेटली आप सीख रहे हैं लेकिन आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप ये सारे काम कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अगर मैं तीन दफा ये चाह रहा हूँ तो ये देखें कैपिटल ए, ये देखें, और जहां मुझे खत्म करना हो मैंने सर। तो अब अगर मैं इस चीज पे फोकस करूं तो सर मैंने यहाँ जो ऑब्जर्व की नई बात वो की कि किसी भी चीज का अगर क्लोजर बनाना हो, किसी भी वेरिएबल का क्लोजर, ओ किसी भी चीज का क्लोजर बनाना हो, तो यहाँ जो वेरिएबल है और यहाँ जो वेरिएबल है अगर सेम हो, यहाँ जो वेरिएबल है और यहाँ जो वेरिएबल है अगर वो वेरिएबल सेम हो और यहाँ एप्सिलॉन हो, तो यहाँ जो चीज लिखी हुई होती है उसका क्लोजर होता है। अगर आपका यहाँ का वेरिएबल और यहाँ का वेरिएबल सेम हो और यहाँ एप्सिलॉन हो, तो यहाँ जो चीज लिखी होती है उसका क्लोजर होता है। अच्छा, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप ऐसे लिखे, यू कैन राइट इन दिस वे एज वेल। ये देखें, तो ये जरूरी नहीं है कि ए जो है वो इधर ही हो, ये देखें ये भी ए का क्लोजर है, स्मॉल ए का। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ ये लिखा हुआ है सर, ये देखें, तो अब ये जो है क्या है, ये स्मॉल एफ का क्लोजर है, ठीक है, समझ में आ गई ये बात, ये स्मॉल एफ का क्लोजर है, क्लियर हो गई बात, इज इट क्लियर? अगर मैं ये लिख दूं, अगर मैं ये लिख दूं, गौर से देखिएगा, अब मुझे बताइए किस चीज का क्लोजर है। जी इस वाली लैंग्वेज में ये किस चीज का क्लोजर है, ये क्या है, कैपिटल है, कैपिटल है खुद एक वेरिएबल है, तो कैपिटल ए जो काम कर रहा होगा ये जेड उसको बार बार करवाएगा, इज इट क्लियर? इनडायरेक्ट हो गई ये बात, पहले क्या हो रहा था, हम यहाँ टर्मिनल लिख रहे थे, टर्मिनल तो सिंगल था, लेकिन अब फर्ज करिए कैपिटल ए कोई एक लंबा चौड़ा काम करवा रहा, तो फिर जेड ये कह रहा है जो भी काम कैपिटल ए कर रहा है उसका क्लोजर, हो सकता है कैपिटल ए एक लंबा काम कर रहा हो, फर्ज करिए मैं ये लिखता हूँ, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा, B, A, C, कैपिटल B और एप्सिलॉन, जी कोई मुझे उसकी लैंग्वेज बता सकता है क्या होगी इसके ख्याल में? मुझे कोई इसकी लैंग्वेज बता सकता है क्या होगी इसके आपके ख्याल में? रिपीटेशन है अभी, वंडरफुल, ठीक है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ये इट्स नॉट लाइक दैट के ए या बी की रिपीटेशन, ए बी की रिपीटेशन, इज इट क्लियर? तो ए बी का पैटर्न रिपीट होगा, इज इट क्लियर? सॉरी ए सी, ए सी ए बी लिख दिया था बेटा आपने, मैंने भी उस चीज को फॉलो कर लिया, ए सी है, इज इट क्लियर? ठीक है, तो ए सी का क्लोजर हो गया, ए और सी का क्लोजर हो गया। आप बोले सर ए प्लस बी का क्लोजर कैसे बनता है, तो ए प्लस बी का क्लोजर ऐसे बनेगा कि आपने लिखा फर्स्ट करें जेड और आपने लिखा ए जेड और एप्सिलॉन। अब जो ए काम कर रहा है ना वो क्या है, वो आप ये करवा लो कि ए और बी, ठीक है, और तरीके से भी हो सकता है लेकिन अभी आप जिस पैटर्न पे उसी पे रहें तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये समझ में आ गई आप लोगों को बात, तो सवाल है यहाँ तक, ठीक है? तो ये हमने अभी इस स्लाइड में क्या देखा, इस बोर्ड पे क्या देखा, हमने देखा कि किसी भी चीज का क्लोजर अगर जनरेट करना हो तो कैसे करें, ठीक है? सवाल आपसे है कि अगर मैं आपसे कहूं कि
ये लैंग्वेज है बेटा, तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब सिंपल सा है कि सर देखें, ए जो है वो ए जनरेट कर रहा था और ए कर रहा था, अब कम से कम ए के जनरेट करवा लें क्योंकि हमें एप्सिलॉन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, कम से कम ए के चाहिए। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ए पे बेटा, हाँ ए प्लस, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही मार्क। ठीक है, तो ये आपने ना बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे वो समझ लिए कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे लगते हैं। जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे तो आप कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर भी लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब फर्ज करिए, मैं आपसे अगेन ये कहता हूँ, ए प्लस बी का जो क्लोजर है वो बनाना है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, मतलब डिस्क्रिप्शन में तो वो कहलाता है कि यूनिवर्सल लैंग्वेज, तो हम उसको ऐसे भी बना सकते हैं। देखें, एस ड्राइव, अब एस ले ले, कुछ भी ले लें आपकी मर्जी, ए एस और बी एस और एप्सिलॉन, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। एस क्या कर रहा है, एस कह रहा है कि ए एस या बी एस और फिर एप्सिलॉन। तो जब तक आप को ए अभी चाहिए तो आप ऐसे कभी ए वाला रूल लेते रहे, कभी बी वाला लेते हैं, कभी ए वाला लेते हैं, कभी जब आपको खत्म करना हो इसको तो आप क्या कर देंगे, एप्सिलॉन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? कोई सवाल है? अब आ जाते हैं, मतलब मैं थोड़ा सा इसको वो भी कर दूं कि जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं उनको कम से कम ये पता हो कि कॉन्टेक्स्ट की ग्रामर का कौन सा पार्ट है। सही है ये? अच्छा जी, अब हमारी जो लैंग्वेज है वो नई वाली लैंग्वेज क्या है, वो है एटलीस्ट टू एज। ठीक है, तो अगर हम इसको रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखें, देखिए लिखना नहीं चाहिए रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इसको रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख रहा हूँ। और देखें, ये वो पॉइंट आ गया है कोर्स का कि अब आपको पता होना चाहिए रेगुलर एक्सप्रेशन जो सर लिख रहे हैं वो आपको आती है। ठीक है, जो कि आती होगी, अच्छी बात है। ठीक है, ये देखें, यही है इसकी एटलीस्ट टू ए, यही है ना बेटा, ये इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन। अब मैंने ये काम किया था, इफ यू रिमेम्बर, थोड़ी देर पहले, ये किस चीज का काम था बेटा, ये काम था सर कि दो एग्जैक्टली दो आए, एटलीस्ट टू एज नहीं है ये लैंग्वेज, सॉरी, एटलीस्ट टू कर ले बस, इस लैंग्वेज को क्या कर ले, एटलीस्ट टू कर ले, एटलीस्ट टू लेंथ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं अभी लेंथ पे तो करवा दूँ, जब भी तो मैं उस पर करवाऊंगा। ठीक है, ये मैंने करवा दिया एटलीस्ट टू। तो ये क्या कर रहा था, ये कह रहा था कि एग्जैक्टली दो ए आते हैं, सही है, ये यही कह रहा था ना कि एग्जैक्टली दो ए आते हैं, ये यही कह रहा था ना, एग्जैक्टली दो ए आते हैं बेटा, इस लैंग्वेज का मतलब यही था ना कि एग्जैक्टली दो ए आते हैं। आप क्या चाहते हैं, दो से ज्यादा पे क्या हो, दो से ज्यादा पे क्लोजर बन जाए, ऐसा ही है, सही है। तो ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल ए है, इसको क्या होना चाहिए, किसी और चीज का क्लोजर कर लेते, तो हम कहते हैं कि भाई यहां पर आप एक वेरिएबल और लिख दें जिसका काम ये हो कि वो ए और बी का क्लोजर जनरेट कर दे, जिसका काम क्या हो कि वो ए और बी का क्लोजर जनरेट कर दे। तो देखें, कैपिटल बी, और अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ए अभी का क्लोजर जनरेट करेगा। अभी हमने क्लोजर देखा था कैसे बनता है, देखो कि जो वेरिएबल यहाँ पर आ जाए तो हम इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं, क्या थोड़ा सा स्क्रीन पे फोकस कीजिएगा। देखें, हमने कहा एस ड्राइव ए ए बी, अब ए सिंगल है, कोई एक आएगा, कैपिटल ए भी सिंगल है, अब बी जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ए अभी का क्लोजर जनरेट करे, अब बी जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ए अभी का
लोचे जनरेट कर रहे हैं। इज इट क्लियर? आप देख ले इसको वेरीफाई करके इसकी डेरिवेशन परफॉर्म कर लेते हैं। देखें ये देखिएगा एस कैपिटल ए बी। अच्छा मेरी प्रैक्टिस ये है कि मैं लेफ्ट वाले वेरिएबल को पहले चूज करता हूँ, ये कहलाती है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। क्या कहलाती है? लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। ये कॉन्सेप्ट है जो कि अभी फिलहाल आपके काम का नहीं है, थोड़ी देर में आ जाएगा। ये कहलाती है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो वेरिएबल सबसे लेफ्ट पर हो पहले उसको ड्राइव करो। क्यों? ये आगे की बात है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो वेरिएबल लेफ्ट पर हो उसे सबसे पहले ड्राइव करो। तो देखिए मैंने सबसे ए को ड्राइव किया, सॉरी, और एक एक वेरिएबल, ये देखें, फिर मैंने इस ए को बी से रिप्लेस कर दिया और ये भी आ गया। अब मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, कैपिटल बी को मैं खत्म करना चाहूँ कर दूं, अदरवाइज से जितने ए बी जाऊं जा सकता हूँ। देखिए अगर मैं खत्म करना चाहूंगा तो इस कैपिटल बी की जगह पे क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन। अगर मैं खत्म नहीं करना चाहता तो ये भी ले सकता हूँ और ये भी ले सकता हूँ, जितने ए बी के कॉम्बिनेशन चाहिए मुझे यहाँ मिल सकते हैं। फर्स्ट करिए मैंने खत्म कर दिया तो मुझे मिल गया ए बी, लेंथ टू हो गई। अब अगर मैं चाहूँ तो कुछ और भी पिक कर सकता हूँ। ये देखें एस ए ए बी ए ए बी ए ए बी ए ए बी बी, और जब मैं खत्म करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। देखें थ्री लेंथ हो गई थ्री लेंथ। तो इस तरीके से मैं इस पे ये डिफरेंट ऑपरेशन कर सकता हूँ, एटलीस्ट टू हो गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एटमोस्ट टू की, क्योंकि हमने एटलीस्ट टू करनी है। तो एटमोस्ट टू जो है वो देख लेते हैं, एटमोस्ट लेंथ टू होनी चाहिए। ठीक है, अब अगेन सवाल वही आता है कि सर ये वाली लैंग्वेज क्या कर रही थी? आप सबसे पहले क्या करें, इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करें। अब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, जैसे मैं रेगुलर एक्सप्रेशन लिखूंगा आपकी समझ में आ जाएगा कि कैसे होगा। जी सर, समझ में आया कुछ कि कैसे होगा ये? जी समझ में आया किसी के कैसे होगा ये? बहुत आसान बात है ये वाली। एट एग्जैक्टली टू अगर आपको समझ में आया था तो एटमोस्ट टू भी बहुत फौरन समझ में आ जाएगा। जी एनीवन? आई बिलीव कि आप लोग बता सकते हैं, जितना आप लोगों ने पढ़ लिया और जितना भी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया है उसमें आप ये आज का आंसर कर सकते हैं, कम से कम इस सवाल का आंसर आप कर सकते हैं। जी कोशिश कीजिए, आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि लेंथ जो है वो एटमोस्ट टू आनी चाहिए, ऐसा ही है? बाकी लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं बेटा, थोड़ा सा सोचिए। देखिए आप ना एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपका पैटर्न ये है इस टॉपिक को पढ़ने का कि आप जब भी कोई नया सवाल करते हैं ना तो उसमें पुराने वाले सवालों की कोई ना कोई चीज यूज होती है। हर सवाल नए तरीके से स्टार्ट नहीं हो रहा, ठीक है? इसमें भी मैंने वही चीज यूज की और उसके बाद बी लगा दिया। अब इसी तरीके से इस सवाल में भी कोई एक आउट ऑफ द बॉक्स चीज नहीं आएगी, कोई पीछे वाली चीज में से ही कोई कॉन्सेप्ट में एडिशन हो जाएगा आपके पास। अभी जो दो सवाल आपने किए हैं तीन, उसमें आपने क्या किया और उसी को सोचें थोड़ा सा। बहुत आसान सी बात है, मैं चाहता हूं कि आप बताएं। बिल्कुल ठीक है, हारिस ने जो आंसर दिया वो देख लें, यही मैं चाह रहा था कि लोग आंसर कर दें। ठीक है, ये देखें एस ड्राइव ए, हमें मैक्सिमम लेंथ कितनी चाहिए? टू। और अब नहीं बेटा, थोड़ा सा ही देख लें, हारिस ने जो आंसर दिया देखें। अब ए के पास ऑप्शन है, या तो वो ए से रिप्लेस हो जाए या बी से हो जाए या एप्सिलॉन से हो जाए। क्यों भाई? क्योंकि ये भी तो देखें, ये लिखा होता है एप्सिलॉन कि ए या बी या एप्सिलॉन, तो आपको यहाँ लिखने में क्या प्रॉब्लम है? और दैट वाज आई वाज आस्किंग। इज इट क्लियर? ये देखें, अब मैंने कहा कि भाई एस जो है उसकी, ये देखें बेटा, ये देखिएगा,
मैंने एस को रिप्लेस किया एस से, फिर ए आया। अब इस दोनों ए के पास क्या ऑप्शन है, पहले ए के पास क्या ऑप्शन है कि वो ए या बी या एप्सिलॉन से रिप्लेस हो सकता है, तो देखिए मैंने ए से रिप्लेस किया और उसको दूसरे वाले को छोड़ दिया, सॉरी। अब अगर मुझे सिर्फ ए के चाहिए तो ये कर दिया मैंने, अगर मुझे दो लाइन चाहिए तो ये कर दिया, और अगर मुझे जीरो लाइन चाहिए होती तो मैं पहले वाले कैपिटल ए को भी एप्सिलॉन से रिप्लेस करता। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Given length. Given length, ठीक है? Again by practice we know कि भाई even length के लिए हमारे पास जो regular expression होती है वो क्या होती है। अब देखें पीछे वाले concept use होंगे बेटा, तो kindly थोड़ा साथ दीजिए, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि ये सवाल आप लोगों को बताने चाहिए का, जो student के answer देने से ऐसा लगेगा कि सब नहीं पढ़ रहे। Even length. जी सर, तो इवन लेंथ में भी कॉन्सेप्ट वही यूज हो रहा होगा जो के क्या यूज हो रहा होगा, जो टू लेंथ वाला कॉन्सेप्ट आया था ये ना, इवन लेंथ के अंदर भी वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा जो टू लेंथ वाला था। सोचिए और बताइए। तो आपने कहा सर एक काम करते हैं, ये जो एस था ये क्या जनरेट कर रहा था, ये जनरेट कर रहा था ऐसा, ये हाँ या ना ऐसा ही है? अगर मैं यहां से लिखूं तो ये टू लाइन जनरेट कर रहा है। अब मैं क्या चाहता हूं, इस टू पे लूप चल जाए, मतलब क्लोजर चल जाए। ये टू लेंथ को कौन जनरेट कर रहा है, वेरिएबल का नाम बताएं, टू लेंथ को कौन जनरेट कर रहा है? S, ठीक है, कोई भी A नहीं बोलेगा, S, ठीक है। तो ये टू लेंथ को कौन जनरेट कर रहा है, S। हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि S पे क्लोजर चल जाए, ऐसे ही है? तो हमें एक और वेरिएबल चाहिए होगा जो S पे क्लोजर चलाए। उस वेरिएबल को अगर हम नाम दे दें T कह दें, मतलब सीक्वेंस में रख लें, कोई मसला नहीं, क्यू आर एस टी, क्यू आर आर कर लें, ठीक है। तो अगर हम सीक्वेंस में रख लें तो हम ये चाहते हैं कि एस पे क्या हो जाए, लूप चल जाए। क्या करना पड़ेगा मुझे क्लोजर के लिए, याद है आपको क्लोजर के लिए क्या करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, ठीक है, यस और नो? क्लोजर के लिए क्या करना पड़ता है, मुझे ये काम करना पड़ता है कि जो वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है उसी को राइट साइड पे लिखा, और जिसका क्लोजर लगाना उसको वहां लिख के साथ में एप्सिलॉन लगा दो, सही है? सबको समझ में आ गई बात, अगर हम इसकी डेरिवेशन करके देखें तो वेरीफाई भी हो जाएगा, ठीक है ना? ये देखें, ये देखें R, S R। अब मुझे बताएं कितनी लेंथ चाहिए आपको, पहले मतलब इवन लेंथ में चार चाहिए, छह चाहिए, दो चाहिए, आठ चाहिए, ठीक है? तो अगर आपको फर्स्ट करिए चार चाहिए तो आप इस R को दो दफा चलाएं, ये देखें S S R, पहले वाला S पुराना, ये R को हमने दोबारा किससे रिप्लेस कर दिया, SR से। आपको अगर दो चाहिए तो एक S आना चाहिए, अगर आपको चार चाहिए तो दो S आने चाहिए, अगर आपको तीन चाहिए तो तीन S आने चाहिए, ठीक है? ये देखें तो S एक दफा आएगा तो कैपिटल A दो दफा आएंगे, तो अगर S दो दफा आ गया तो कैपिटल A कितने दफा आएंगे, चार दफा। फर्ज करिए मैं फोर लेंथ की काम कर रहा हूँ, देखिए मैंने जैसे ही खत्म हुआ मैंने क्या किया, मैंने S की जगह पे लिखा ए ए और इस S को ऐसे लिख दिया, ठीक है? तो ये दोनों A अपनी जगह पर है, फिर S की जगह पे क्या लिखा ए ए और R ऐसे ही। फिर मुझे पता है चारों ये चार लाइन में सिंगल सिंगल से रिप्लेस जाएंगे, तो मुझे R खत्म करना होगा, मैं क्या कर दूंगा, क्या कर दूंगा बेटा, एप्सिलॉन लगा दूंगा, ठीक है, क्लियर? अगर फर्ज कर लीजिए कि मैं चाहता हूँ जीरो लेंथ, तो यहीं डायरेक्ट मैं एप्सिलॉन लिख दूंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं S, ठीक है, मैं इस पे जा ही नहीं रहा,
अगर मुझे टू लेंथ पे काम करना है तो मैं क्या करूंगा, आर एस आर, अब एस को ए ए कर दिया, आर कर दिया, और ए ए आर ए वी आर, और जब मुझे खत्म करना हो तो मैं क्या करूंगा, आर को रिप्लेस कर दूंगा एप्सिलॉन से। देखें टू लेंथ हो गई, तो जितनी दफा आर चलेगा उसका मल्टीपल ऑफ टू आएगा, ठीक है। जब तक आपको मल्टीपल ऑफ टू अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं मिल सकते तो आप आर को खत्म ना करें। आर अब जब ही खत्म करेंगे जब आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। इज इट क्लियर, एनी क्वेश्चन? ये है इवन लेंथ। ये क्या है बेटा? इवन लेंथ। अब आ जाए ऑड लेंथ के लिए। ऑड लेंथ का फॉर्मूला अगर लिख के, मतलब फॉर्मूला कह रहा हूँ, रेगुलर एक्सप्रेशन अगर लिख के, तो ये थी कि इवन प्लस वन होता है। ऑड क्या होता है? इवन प्लस वन। तो अब अगर थोड़ा सा सोच के बता दे मुझे कि कैसे होगा तो अच्छा हो जाएगा थोड़ा सा। थोड़ा सा अगर कोई आइडिया दे दे मुझे, हिंट दे दे कि सर ऐसे हो सकता है। कोई भी अगर आइडिया देना चाहे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ताकि बस थोड़ा सा सोचना है। इसमें कोई नई चीज नहीं है, कोई नया कॉन्सेप्ट भी नहीं है। नहीं, अगर मैं ए बी लिखता हूं तो ये मल्टीपल ऑफ थ्री हो जाएगा। नहीं, अगर मैं एक ऐड कर दूंगा ना तो बेटा मल्टीपल ऑफ थ्री हो जाएगा। बेटा यही मैं क्लियर करना चाह रहा था कि अगर मैं एक ऐड कर दूं या बी ऐड कर दूं तो वो मल्टीपल ऑफ थ्री हो जाएगा। मल्टीपल ऑफ थ्री का काम करेंगे तो वो तो हो जाएगा अलग ही। ये तो ऑड है, ऑड। जी बेटा, एनी सॉल्यूशन? बहुत ही आसान सी बात है। नहीं, ये देखें मैं बता देता हूँ। नहीं बेटा, शायद आप लोग कुछ, आप फोकस ही नहीं कर रहे उस पे जिस पे फोकस करना चाहिए। जिस पे फोकस करना चाहिए उस पे फोकस करेंगे। देखें एस आर, एस में नहीं आएगा, यहाँ आएगा। ये क्यों आएगा बता देते हैं आपको। लेकिन एस की तो प्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने कर दिया ना बेटा। एस की तो प्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टू जनरेट करेगी ना, मल्टीपल ऑफ टू। सिंगल ए अभी को कौन जनरेट करता है? सिंगल ए अभी को कौन जनरेट करता है? सिंगल ए अभी को कौन जनरेट कर रहा है? कैपिटल ए। तो जो आर अपने आप को जीरो से खत्म करता था उसको आप किससे खत्म कर दो? वन से। और वन कौन है? कैपिटल ए। इट क्लियर? अब जब भी आर खत्म होगा, बिल्कुल पूरा सेम सवाल है आपका, पूरा सेम सवाल है, लेकिन जब आर खत्म होगा तो एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, वेरीफाई भी कर ले, वेरीफाई कर लेते हैं। ये देखें आर, फर्स्ट करें मुझे वन लेंथ चाहिए, वन, तो मैं क्या करूंगा, आर को ए से रिप्लेस करूंगा, ए ए आ जाएगा, ए भी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आर एस आर एस आर, और फिर क्या करूंगा, अगर मुझे एस से दो ए चाहिए तो मैं आर आर से सिंगल ए ले सकता हूँ। तीन हो गए, खत्म। अब ए पे कोई लूप वूप नहीं चल रहा, कोई साइकिल नहीं चल रही, तो सिंपल क्या करेगा, वो सिंपल सिंगल ए से या बी से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, क्लियर हो गई बात? ऑड लाइन समझ में आ गई?
बड़ी आसान है मतलब। सवाल ये है कि नंबर ऑफ, देखिए स्टार्ट विद ए, स्टार्ट विद ए, तो अब अगर अगेन वही वाली बात है, हर जगह रेगुलर स्पेशल लिख के समझेंगे तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, लेकिन डायरेक्ट फिर कोई सवाल ऐसा आ गया जिसकी रेगुलर स्पेशल आपसे नहीं लिखी जाएगी तो आप फंस जाएंगे। खैर ये देखें स्टार्ट विद ए, अब आपने बोला सर एस ले लें एक वेरिएबल और शुरू में ए लिख दें, ए आ गया शुरू में, अब एस किससे स्टार्ट हो गया, ए से, आगे क्या लिखा हुआ है? आगे क्या लिखा हुआ है? ए अभी का क्लोजर, तो वो क्या करें किसी और वेरिएबल से जनरेट करवा दें। और आपको पता है ए अभी का क्लोजर कैसे जनरेट होता है? हो गया, शुरू में ए आया, नहीं बेटा नहीं, अभी तो करवाया इतनी दफा, ए प्लस बी का होल क्लोजर कैसे जनरेट होता है, इतनी दफा तो करवाया, अभी ऊपर भी करवाया था इवन में ऑड में, सही। तो ये हो गया स्टार्ट विद, अगेन अगर बोला जाए आपसे के स्टार्ट विद ए एंड विद बी एक जैसे सवाल है, लेकिन ये भी बहुत आसान है। ठीक है ये देखें, आपने कहा सर एस, अब हमें परवाह ही नहीं है कि भाई स्टार्ट में ए आएगा, फिर तो कैपिटल ए लिख देते हैं और बी लिख देना, इस कैपिटल ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बीच वाला क्लोजर जनरेट करो। ठीक है क्लियर, स्टार्ट विद ए एंड एंड विद बी, इज इट क्लियर? ये बड़ी आसान हो जाती है जब आप पूरी चीज तवज्जो से सुने और इम्प्लीमेंट भी साथ साथ अगर करते रहे। तो चलें एक सवाल आप करें जरा कि स्टार्ट विद ए एंड एंड विद बी, स्टार्ट विद, स्टार्ट एंड एंड विद डिफरेंट सिंबल, जरा करें कॉपी में मुझे बताएं क्या आ रहा है, डिफरेंट सिंबल अननेसेसरी काम नहीं कीजिएगा, जिस तरीके से ऑटोमेटा के अंदर भी हम अननेसेसरी स्टेट्स नहीं बनाते थे, हमारी प्रैक्टिस थी कि हम मिनिमली बनाते थे, तो यहाँ पर भी अगर फालतू में बनाएंगे तो ये अच्छी चीज प्रैक्टिस नहीं है। ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन गलत हो जाएगा, लेकिन फालतू में ना बनाए, तो जरा कोशिश कीजिए स्टार्ट एंड एंड विद डिफरेंट सिंबल को बनाने की। जी बेटा किसी ने बनाया,
सही है बेटा, ठीक है, ये जो आंसर है इनको भी देख ले और मैं भी लिख देता हूँ। अब आप ना देखें, स्टार्ट विद ए होगा तो एंड विद बी होगा, तो आपने कहा सर देखें ये, लेकिन अगर स्टार्ट विद बी हो गया तो वो भी एस के साथ ही आना चाहिए, अलग से नहीं आना चाहिए, और बस और तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और फिर ए से जो है वो आप काम करवाने, मैंने कहा ना कि अगर आपका लेक्चर जो है वो साथ साथ आप देखते रहेंगे तो आप एक वक्त आएगा कि आपको सारे सवाल सिर्फ सुन के, क्योंकि लैंग्वेज आपको पता है, इतना सारा आप पढ़ चुके हैं तो आपको अब कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। सही भाई, समझ में आ गया, सबकी समझ में आ गई ये बात, कोई ऐसा हो जो ना समझ पाया हो ये चीज। एस से ही क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि एस से अगर ए से स्टार्ट हो रहा तो बी पे, अदरवाइज बी, तो एक ही ऑप्शन है, अगर एस यहाँ से एंटर हुआ तो यहाँ से एंटर नहीं हो सकता जी, एस अगर यहाँ से एंटर हुआ तो यहाँ से एंटर नहीं हो सकता, अगर यहाँ से एंटर हो गया तो यहाँ से नहीं हो सकता, एक दफा एस खत्म हो गया दोबारा तो आप शुरू कर नहीं सकते कुछ, तो यही आप वेरिएबल आपके डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ दो वेरिएबल से हो सकता है बहुत अच्छे तरीके से जी। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन तो बता दीजिए, और फिर कोई भी सवाल हो तो बेटा बताइए। एंड सेम नहीं आएगा, आएगा बेटा आएगा, आप आएगा क्यों नहीं आएगा, ये देखें एस ए ए बी, अब ए ये लिखा हुआ, ये बी दूर ले जाके लिख दो, अब ये जो बीच में कैपिटल है, ये जो बीच में कैपिटल है इसे जो जनरेट करवाना है करवा लो, सेम थोड़ी बोला था, डिफरेंट बोला था, और अगर आप यहाँ से एंटर हुए तो कैपिटल है तो बीच में है, आखिर में क्या है बी है, स्टार्ट में क्या है ए, तो डिफरेंट ही तो है बिलाल, डिफरेंट ही तो है ये, ए और बी डिफरेंट नहीं है क्या, तो यही तो बात कर रहा हूँ मैं, और क्या कर रहा हूँ, जल्दी पूछिए, ये मिनट्स एंड हो रहे हैं इसकी मीटिंग है। सेम पे कहाँ किया था मैंने, डिफरेंट पे किया बेटा, मैंने डिफरेंट पे किया, ये डिफरेंट है। चलें भाई ये मीटिंग एंड हो रही है, तो आप लोग जो हैं वो 20 मिनट बाद ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, 20 से 25 मिनट में ज्वाइन कर लीजिए।